हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैंगन की सब्जी की रेसिपी। बैंगन की सब्जी जिसे भी पसंद आती है उसे भरवा बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पर कभी कभी कैसा हो जाता है भरवा बैंगन बनाने के लिए समय नहीं रहता है। तो आप इस तरह से बैंगन को कट कर सब्जी बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। कोई भी साबित मसाले हमने ऐड नहीं किया है, झटपट बन जाती है और टेस्टी लगती है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बैंगन को डिप करने के लिए पानी में नमक ऐड करे हो जिससे बैंगन काले नहीं पड़ते हैं। तो आधा चम्मच के करीब नमक ऐड कर लिया है और साथ ही लिया मैंने 250 ग्राम इतने बैंगन। कोई भी बैंगन आप ले सकते हैं, मैंने इस तरह के बैंगन लिया है। और साथ ही मैं क्या करे हूँ, जो नोकीले कांटे रहते हैं उन्हें हमें निकाल लेना है। इस बैंगन के साथ आप आलू ऐड करना चाहते हो तो 1 से 2 आलू को आप इसमें ऐड कर सकते हो। मीडियम साइज़ के आप आलू ले सकते हैं। तो देखिए, हमने इस तरह से इसे कट कर लिया है, इसके नोकीले कांटे हमने निकाल लिया है और इसे हम कट कर लेते हैं। ये बैंगन की साइज़ मीडियम है इसलिए हम इसके 3 कट लगा रहे हैं। अगर बैंगन थोड़े बड़े रहते हैं तो 4 से 5 कट आप लगा सकते हैं, या छोटे बैंगन हैं तो आप 4 टुकड़ों में से कट कर सकते हैं। बैंगन को कट करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है, बैंगन को हमें ज़्यादा मोटा भी कट नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी कट नहीं करना है। यानी मोटा अगर कट कर लेते हो तो सब्ज़ी खाने में इतनी टेस्टी नहीं लगती है, और पतला कट कर लेते हो तो सब्ज़ी ज़्यादा गल जाती है। तो देखिए, हमने इसे डिप कर लिया है इस तरह से हाथों से प्रेस कर, और साथ ही मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच इतना तेल डाला है और उसके साथ मैं इसमें बैंगन ऐड कर रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है, इसमें दूसरी कोई भी चीज़ नहीं ऐड करना है और इसे अच्छे से भून लेना है। बैंगन में हल्का सा पानी कम हो जाए और इस पर अच्छा सा कलर आ जाए तब तक हमें इसे भून लेना है। 1 मिनट लगेगा आपको हाई फ्लेम पर इसे भूनने के लिए। तो देखिए, बैंगन को हमने भून लिया है, इस पर हल्का सा कलर चढ़ चुका है। जब इस पर कलर आ जाए ना, उस समय हमें इसमें ऐड करना है 1/2 चम्मच इतना नमक, और उसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच इतना हल्दी पाउडर। नमक और हल्दी के अंदर बैंगन को फ्राई करने से बैंगन की सब्जी का टेस्ट और भी बेहतर आता है। तो देखिए, हमने इस तरह से इसमें मिक्स कर लिया है, नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए ना, उस समय हमें क्या करना है, इसे लीड लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ना है, जिससे बैंगन हल्के से कुक भी हो जाते हैं। और साथ ही मैं बैंगन की सब्जी के लिए बना रही हूँ मसाला, उसी लिए मैंने लिया है 2 हरी मिर्च को लिया है, 1 छोटा सा टुकड़ा ले रही हूँ अदरक का, 1/2 इंच टुकड़ा लिया अदरक का, 8 से 10 लिए लहसुन की कलियाँ, हरा धनिया ऐड कर रही हूँ 1 बंच, और उसी के साथ मैं डाल रही हूँ मूंगफली। मूंगफली हमें लेना है 2 बड़े चम्मच या 1/4 कप आप मूंगफली ले सकते हैं। मूंगफली हमें कच्ची ही लेना है, इसे भूनकर नहीं ऐड करना है। तो देखिए, इसे हमने ना पीस लिया है, पीसते समय हमने पानी नहीं ऐड किया है, हमने वैसे ही पीस लिया है, दरदरा हमें इसे पीस लेना है। और साथ ही हम बैंगन को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, बैंगन हल्के से कुक हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसे निकाल लेना है। बैंगन को कढ़ाई में से निकालने से पहले इसे 1 से 2 बार हम चला लेते हैं, क्योंकि हमने इसे ढककर पकाया है ना, तो इसके अंदर थोड़ा पानी आ जाता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे 1 से 2 बार चला लिया है और बैंगन को हम निकाल लेते हैं। और साथ ही मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच इतना तेल ऐड किया है, 1 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा, 1/2 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड सीड यानी राई। राई और जीरा फूट रहा है तो इसी समय हम इसमें ऐड कर लेंगे, जो मसाला हमने पीस कर रखा था ना वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इस सब्जी में कड़ी पत्ता या तेज पत्ता हमें नहीं ऐड करना है। तो देखिए, इसे हम चला लेते हैं, पर इसके अंदर हमने मूंगफली ऐड की है ना, तो ये तुरंत ही चिपकने लगता है। तो उस समय हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच भरकर इतना पानी। तो पानी मैं वही मिक्सी जार में ऐड कर रही हूँ जो मिक्सी जार में हमने मसाले को पीस कर रखा था। पानी डालने से क्या होता है, मसाले को हम सही से भून पाते हैं, क्योंकि मसाला नीचे चिपकना बंद हो जाता है। और साथ ही मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है 1 चम्मच, 1/2 चम्मच डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर। तो देखिए, इसे हम मिक्स कर लेते हैं। बेसिक मसाले से सब्जी बनाई है पर सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इस समय हमने गैस की फ्लेम रखी है मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर हमें मसालों को अच्छे से भून लेना है। जब तक कि मसालों में से तेल ना निकले तब तक मसाला कुक नहीं होता है। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, इसे लीड रखना है और 1 मिनट के लिए इसे लीड रखकर पका लेना है, जिससे मसाला भी सही से हो जाए।
तो एक मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं। मसाला बढ़िया तरीके से कुक हो चुका है, तो इसी के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बैगन को, और साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ एक कटा हुआ टमाटर को। तो टमाटर को ऐड करते समय हमें इसे बारीक नहीं कट करना है, इसी तरह से बड़े टुकड़ों में कट करना है, तो ही सब्जी का टेस्ट अच्छा आएगा। और साथ ही ऐड किया है कटा हुआ हरा धनिया। तो बैंगन और टमाटर को और मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से बड़े टुकड़ों में। टमाटर हम कट कर इसमें ऐड करते हैं, तो बैंगन के साथ टमाटर भी खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, और टमाटर का हल्का सा जूस निकलकर सब्जी में जब मिक्स होता है तब ये सब्जी ज़्यादा टेस्टी लगती है। टमाटर को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है। और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है आधा चम्मच इतना नमक। नमक हमने पहले भी ऐड किया है, तो इस समय हमें नमक थोड़ा संभल कर ऐड करना है। और उसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, आधा चम्मच इतना गरम मसाला लिया है। गरम मसाला ज़्यादा हमें ऐड नहीं करना है, कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का आप गरम मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं, या अगर आप काला मसाला यूज़ करते हो तो वो भी आप आधा चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैंने लीड रख कर इसे 2 मिनट के लिए कुक कर लिया था, जिससे नमक मसाले और सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाएं, और सब्जी बनकर हमारी रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। इस सब्जी को आप लंच में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं, या दाल चावल के साथ में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको सब्जी पसंद आई है तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई भी सब्जी को आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए मुझे उसे कई बार बनाकर देखना पड़ता है, उसके पीछे मेरी बहुत मेहनत रहती है। तो अगर आपको रेसिपी वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। इसी तरह से हम मिलेंगे और भी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।